हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बालों की समस्या से हर कोई परेशान है। बालों को बढ़ाना इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। अगर हम अपने बालों की सही तरह से देखभाल करें, उनकी सही तरह से उनको न्यूट्रिशन दें, अच्छा खान पान करें, बालों को पोषण के लिए बालों की मसाज करें, तो हम फ्रेंड्स इजीली अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल और इजी नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे के जरिए फ्रेंड्स आपको अपने शैम्पू में कुछ ऐसी चीज को ऐड करना होगा जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ कभी भी रुकेगी नहीं और वो हमेशा इतनी तेजी से इतने अच्छे से बढ़ेगी और बालों को इतनी तेजी से मजबूती देगी, बालों की ग्रोथ को मजबूती देगी कि आप कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आपको फ्रेंड्स एक शैम्पू का यूज़ करना होगा। जिस भी कंपनी के शैम्पू को आप यूज़ करते हैं, आप उसी कंपनी के शैम्पू को यूज़ कीजिए। अगर आप डव यूज़ करते हैं या अदर कंपनी यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं वही आपको यूज़ करना होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक शैम्पू लेकर उसके पूरे शैम्पू को एक बाउल में निकाल लेना होगा। इस तरह से आप एक पूरा शैम्पू एक बाउल में ले लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें सेकंड चीज़ ऐड कीजिए, वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, को बहुत ही बेहतर होता है। आपको इवोन कंपनी का 400 mg का एक कैप्सूल इसमें ऐड करना होगा। बालों की जड़ों में जब विटामिन ई की कमी हो जाती है, बालों को सिल्की साइन मजबूत बनाना है या बालों की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, तो आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज। आपको कैप्सूल को एक कोने से काट कर इसमें पूरा कैप्सूल ऐड कर लेना होगा। इस तरह से आप कैप्सूल को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा हनी यानी कि शहद। शहद हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब हम शहद की मसाज अपने बालों की जड़ों में करते हैं तो वो हमारे बालों में चार चांद लगा देता है। आपको इसमें आधे चम्मच के लगभग शहद को ऐड करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें शहद को ऐड कीजिए और इस पेस्ट को मिक्स कर लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना होगा। बालों की जड़ों में अच्छे से लगाने के बाद आप फ्रेंड्स अपने बालों को वॉश कर लीजिए। लेकिन इसे अपने बालों में लगाने के बाद आप इसे अपने बालों में 2 मिनट तक लगाएं। उसके बाद फ्रेंड्स यानी कि जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो आप इस पेस्ट को अपने बालों में अच्छे से लगाएं और बालों को धीरे धीरे वॉश करें। ऐसा करने से ये आपके बालों की जड़ों में समा जाएगा और आपके बालों को तेजी से लंबा काला घना करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसे अपने बालों में लगाइए और अपने बालों को हमेशा के लिए सिल्की साइड स्मूथ बनाइए। बालों की ग्रोथ को इतनी तेजी से बढ़ाइए कि आप कभी उसके बारे में सोच नहीं सकते या फिर सभी आपसे इसका राज पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। तो आप इसका यूज और अपने बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।